Hello everyone and welcome back to IAM Food Show. Myself Chef John. And you know, as we were celebrating our harvesting seasons and last week we were celebrating so many festival like Lohri, Bihu, Mahasankranti. And in this way, you know, in this, when we have this festival, what is main thing that everybody eat is our pita, our sweets. So you have seen my previous show that the chefs, different chefs have shown you different kind of pita. Today I'm going to show you one pita. Normally you think the pita is always sweet, but today it will be not sweet. It will be so we'll make a pita today. It is with rice flour, jo chal ka gori gori hota hai, stuffing dumplings, lekin a spicy one, a savory one. इसका नाम है बिहारी पीठा. सो हम लोग नॉर्मली जो चावल का गुड़ जो पीठा बनता है उसमें हम लोग गुड़ स्टफिंग देते हैं, कोई नारियल का स्टफिंग देते हैं, लेकिन हम लोग थोड़ा फ्यूजन करेंगे. तो उसके लिए आप देख सकते हैं इंग्रेडिएंट के, चावल का जो गुड़ है, जो ऑलरेडी हम लोग चावल को अच्छा से सोक करके इसको फिर ड्राई करके इसको पाउडर बना के रखा है. जिंजर गार्लिक पेस्ट, ग्रीन चिली, मटर और आलू, और ज़्यादा कुछ नहीं है. उसके लिए पहले हम लोग का जो मिक्सचर बना के रख देंगे, आलू रफ काट करने का, तो क्योंकि ये मैश करने का. तो ये कुछ नया पीठा आप लोग बना सकते हैं, क्योंकि स्वीट पीठा तो आप लोग का घर में रहेगा ही, तो समथिंग डिफरेंट. तेल, सब तेल गरम हो गया, हम लोग डाल देंगे मटर. थोड़ा क्यूमिन सीड्स, थोड़ा मस्टर्ड सीड्स. तो बाय द टाइम ये मटर भी थोड़ा सा सौते हो जाएगा, हम डालेंगे ज़्यादा नहीं, एक ग्रीन चिली. अगर आपको स्पाइसी नहीं बनाने का तो आप मत चलिए, आप ग्रीन चिली छोड़ दीजिए. आप इसमें ऑनियन भी ऐड कर सकते हैं, मैंने ऑनियन ऐड नहीं किया. तो जिंजर गार्लिक पेस्ट, हल्दी, चिली पाउडर थोड़ा सा और जीरा पाउडर. हम लोग ऐड करेंगे थोड़ा सा सॉल्ट ताकि ये मिक्स हो जाए. अभी आलू जब डालेंगे हम लोग, आप देख सकते हैं ये कितना अच्छा बढ़िया कलर आ गया है. अब जब आलू को टॉस करेंगे तो आलू को भी एक देख सकते हैं आप. ये आलू जब पकेगा ये एकदम, मतलब ये मैश हो जाएगा ऑलरेडी. हमने ऑलरेडी
सॉल्ट दिया है, तो हम लोग और सॉल्ट ऐड नहीं करेंगे। अगर आप चाहिए तो आप इसमें धनिया पत्ता भी डाल सकते हैं, मैंने डाला नहीं है धनिया पत्ता। तो ये आलू हमारा रेडी हो गया, तो हम लोग अभी इसको रख देंगे फ्रिज के लिए। अभी हम लोग गर्म पानी बैठा देंगे, जो डंपलिंग्स बनाएंगे गर्म पानी वो ठीक है। तो अभी इसको हटा देते हैं। इसके लिए हम लोग ये राइस फ्लावर जो है, राइस फ्लावर ले लेंगे, और इसको जो भूनने का है वो हम लोग थोड़ा थोड़ा गर्म पानी से करेंगे। इसको जो हम लोग थोड़ा थोड़ा गर्म पानी से इसको मिक्स करेंगे। याद रखिए गर्म पानी से करने का इसको, और ये अच्छा एक डो बनेगा, जैसा रोटी का डो बनता है, ये एक अच्छा रोटी डो बनाने का है। आप लोग जो आलू पराठा बनाते हैं, पराठा का डो होता है, तो ये गर्म पानी से जब भी हम लोग कर रहे हैं, आप देख सकते हैं कि गर्म पानी से क्या ये ऑलमोस्ट डो जैसा बन गया है। तो ये अभी आप पकड़ नहीं सकते हैं, तो इसको कम से कम हम लोगों 5 मिनट रखने का है। 5 मिनट रखने के बाद इसको एक हम लोग रोटी जैसे बोलता है वो, तो 5 मिनट तो आप और हम वेट नहीं कर सकते, तो मैंने ऑलरेडी इसका डो बना के रखा है। सो ये देखिए, जब डो एकदम 5 मिनट रखने के बाद, तो अभी ये डो को हम लोग फिलिंग्स डालेंगे जो आलू का बना था, लेकिन इसके लिए ये ग्लव्स से आप यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब करने के लिए आपको हाथ में थोड़ा पानी चाहिए। और तो आप थोड़ा दोनों हाथ को पानी से अच्छे से ये कर लीजिए, और फिर इसको ऐसे डो जैसे लीजिए। इसको जब फिलिंग्स करने के लिए आपको मालूम है, आप ऐसा इसको अच्छा से डीप करिए जो इसके अंदर फिलिंग घुसेंगे। तो ये जो सब्जी है, आलू का सब्जी, इसमें फिलिंग दे दिया है। तो नॉर्मली आपको तो मालूम है, आप स्वीट सेम चीज़ जो आप मीठा का बनाते, लेकिन आज हम लोग इसको इसको एक अच्छा शेप दे दिया है। तो आप देख सकते हैं एक अच्छा शेप, आप कोई भी शेप दे सकते हैं राउंड। और ये हम लोग ऑलरेडी रेडी करके रखा है 5, ये देख सकते हैं। अभी इसको हम लोग पानी में इसको हम लोग अभी बॉईल करेंगे। तो ये हो गया है, इसको हम लोग स्टीम नहीं करेंगे, वी विल नॉट स्टीम दिस वन, वी विल बॉइल इन द वाटर। तो मेरा पानी ऑलरेडी आप देख सकते हैं बॉइलिंग है, तो इसको हम लोग आराम से डाल देंगे। ये ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ये पानी में डाल दिया है, ये बॉइलिंग हो रहा है, हम लोग जस्ट इसको कवर करेंगे, और जब तक मैं आपसे बात करूं ये रेडी हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इस वेरी सिंपल है, आपने मीठा का बना होगा, गुड़ का, नारियल का, बट हमने थोड़ा इसको चेंज कर दिया, क्योंकि ये डिश जो है वो ये डिश एक्चुअली
बिहार में फेमस है, इसीलिए इसका नाम है बिहारी। तो हमने सोचा क्यों आपको दिखा दूँ, थोड़ा आप भी घर में बना सकते हैं ट्विस्ट। सो देखिए बॉइलिंग हो रहा है, जैसे कि मैंने कुछ बोला ये अपना राइस फ्लावर ऑलरेडी हम लोग गर्म पानी से किया तो ऑलरेडी कुक था, तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और ये भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेंगे। तो ये आप देख रहे हैं ये फ्लोट हो रहा है ऊपर में, जैसे ये फ्लोट हो रहा है इसका मतलब ये रेडी टू ईट। सो अभी हम इसको एक तड़का लगा के प्लेटिंग करेंगे। मैंने बोला ये ऊपर आ गया मतलब रेडी हो गया, आप देख सकते हैं। तो हम लोग स्विच ऑफ कर दिया, आराम से इसको उठाएंगे। नॉर्मली आप लोग स्टीम भी इसको करते हैं, लेकिन मैंने इसको बॉईल किया है। वो ध्यान रखना चाहिए अगर ज्यादा बॉईल होगा तो ये पड़ सकता है। तो अगर अपना इसको काटा तो आपको पता चलेगा अंदर से क्या है, देख सकते कितना सॉफ्ट हो गया है, आप देख सकते एक बढ़िया सा, आप फीलिंग्स भी देख सकते जैसे नारियल का होता है। तो अभी हम लोग इसको प्लेटिंग करेंगे। बहुत ही गर्म है, तो आप जब गैस को सर्व करेंगे तो उसको हल्का ठंडा होने दीजिए। इसको तड़का है इज वेरी सिंपल, घी लेंगे थोड़ा, घी में थोड़ा मस्टर्ड सीड्स और थोड़ा जीरा, तड़का होता है। पकने के बाद बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है, देखते हैं बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है, तो ये बैठने के लिए भी प्रॉब्लम है। घुमा देता हूँ,
और ये जो तड़का है तड़का थोड़ा हम लोग ऊपर से दे देंगे घी और इसका तड़का। तो आप देख सकते हैं बहुत ही इजी है, आप लोग घर में जो पिठा बनाते हैं एक ही रेसिपी है, जस्ट हम लोग इसको चेंज करके स्पाइसी बना दिया है। सो आई होप यू हैव लाइक्ड इट एंड जो रियली द फूड लवर्स और फूड ब्लॉगर्स डेफिनेटली ट्राई दिस एट होम एंड द स्टफिंग यू कैन पुट वॉट एवर फीलिंग्स यू वॉन्ट टू हैव इंस्टेड ऑफ पोटैटो एंड ग्रीन पीस यू कैन पुट सम काइंड ऑफ वेजिटेबल्स। घर में ट्राई कीजिए, फ्रेंड्स को खिलाइए, पार्टी में खिलाइए और स्पेशली जो ओकेशन होता है जो बिहू लोहड़ी महासंक्रांति एनी फेस्टिवल्स डेफिनेटली बनाइए। एनी कमेंट्स प्लीज डू पुट द कमेंट्स एंड द स्टूडेंट्स हु हैव जस्ट पास्ड आउट क्लास 12 एंड कीन टू लर्न टू हैव टू बी इन दिस इंडस्ट्री। सो वी हैव टू campus, one in Kolkata, one is Guwahati, with the fantastic faculties with a great experience, and so you can have visit our website too. So till then, take care, stay safe, and wish you a very, very harvest festival and seasons. Thank you.